Hello beautiful people, I'm Neelam and welcome back to my channel in Be Beautiful with Neelam. So wish you all a very happy Women's Day to every girl, to every woman in this world. Women are very important because औरत ही एक नई जिंदगी देती है. सो उन्हीं के थ्रू सारा दुनिया, सारा संसार चलता है. सो यस, वुमेन बहुत स्पेशल होती है. मैं मेन से, मैं बॉयज से ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आपके घर में जो मॉम है, सिस्टर है, आपकी वाइफ है, आपकी फ्रेंड है, उनका रिस्पेक्ट ज़रूर कीजिए, उनका साथ दीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए. उनको बहुत ज़रूरत है आप सबके केयर की. सो या दैट्स इट, आई वॉन्टेड टू टेल यू एवरीवन. सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, आज जो भी प्रोडक्ट रिव्यू मैं आज कर रही हूँ. सो आज मैं कर रही हूँ एक प्राइमर का प्रोडक्ट रिव्यू कर रही हूँ. एंड ये प्राइमर बोला जा रहा है कि बेस्ट भी है एंड वो बहुत ही बजट फ्रेंडली है. तो स्पेशली जो न्यू है मेकअप में, या फिर जो ज़्यादा मेकअप पे खर्च नहीं करना चाहते हैं, चाहते हैं कि बजट में हमें सब कुछ मिले. एंड ऐसा नहीं कि ख़राब प्रोडक्ट, हमें अच्छा प्रोडक्ट मिले, वो भी बजट में मिले. सो यस, तो इसलिए आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर. एंड ये परफेक्ट मेकअप बेस्ड प्राइमर है, स्टूडियो परफेक्शन है. एंड ये ऑयल फ्री है एंड नॉन ग्रेसी है. सो बहुत लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में सुन चुका होगा. मैं काफ़ी लेट ये रिव्यू कर रही हूँ, बट मैं चाहती थी कि इसको पहले ट्राई करूँ अपने ऊपर एंड उसके बाद इसका रिव्यू करूँ. ये प्रोडक्ट मैंने पहले परचेज़ किया हुआ था, बट मुझे मौका नहीं मिला कि मैं इसका रिव्यू करूँ. तो चलिए आगे इसके बारे में बात करते हैं. मैं इसके बारे में सब कुछ आपको बताऊंगी, साथ साथ आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगी अपने स्किन पे. एंड बताऊंगी कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं प्राइमर के, बिना प्राइमर के मेकअप यूज़ करने से क्या फ़ायदा या नुकसान है, एंड इसको यूज़ करने से क्या फ़ायदा या नुकसान है, जो भी है. तो स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. एंड एक साइड में बेल बटन दिया होगा, उसको क्लिक करना मत भूलिएगा. बेल बटन क्लिक करने के मतलब नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब भी मैं अपनी कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी. एंड यस, शेयर कीजिए. एंड अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं. तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि इसकी पैकेजिंग बहुत ही खूबसूरत है. आई मीन पर्पल कलर का है और काफ़ी क्यूट सा कलर है. एंड पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही है. कार्डबोर्ड की इसकी जो ये पैक है, ये कार्डबोर्ड से बनाया हुआ है. एंड इसका प्राइस है फ्रेंड 300 रुपीज़. सो बेसिकली जो अच्छी क्वालिटी के प्राइमर्स होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट 500 से स्टार्ट होते हैं. 500 के नीचे आपको कोई भी अच्छा टिकाऊ जो बोलते हैं ना, वो प्राइमर आपको नहीं मिलेगा. तो बट ये प्राइमर मैं बोल रही हूँ कि ये अच्छा प्राइमर होने के साथ साथ टिकाऊ भी है. आपके मेकअप को स्टे करने का पावर ये आपको देता है. सो ये 300 रुपीज़ का है. एंड इसका जो क्वांटिटी है ये 30 ग्राम का है. एंड मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब लिखा हुआ है इसमें. मैन्युफैक्चरिंग इसका 12/17 है एंड एक्सपायरी इसका 12/2020 है. इसका मतलब ये तीन साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा बात है, क्योंकि प्राइमर बहुत कम ही यूज़ करते हैं. आई मीन जो मेकअप लवर्स होते हैं वो प्राइमर बहुत यूज़ करते हैं, बट जो कम मेकअप यूज़ करते हैं वो कम प्राइमर यूज़ करते हैं. तो चलता है कुछ दिन तक ये, तो क्योंकि ये ज़रा सी क्वांटिटी में ना काम चल जाता है. तो इनर पैकेजिंग देखेंगे, लेकिन फ्रेंड इसके ऊपर इसके इंग्रेडिएंट भी आपको इसके ऊपर मिल जाएगा, लिखा हुआ मिल जाएगा. तो इसके जो इंग्रेडिएंट है, ये सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करेगा आपको, वो ये करेगा कि ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है. सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है मतलब ये बहुत ही स्मूथ फिनिश देगा आपको. एंड जेल लाइक कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन सिलिकॉन बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी स्मूथ होते हैं, काफ़ी टेक्सचर बहुत ही अच्छा होता है, सॉफ्ट फील करता है. सो ये इसका बहुत ही अच्छा बात है कि इसमें सिलिकॉन यूज़ किए गए हैं. एंड इसमें लिखा भी हुआ अ लाइट वेटेड फार्मूला. लाइट वेट है, ज़्यादा हैवी नहीं है. यूज़ करेंगे तो ऐसा नहीं कि हाँ आपने बहुत कुछ लगाया हुआ है. सिलिकॉन एंड विटामिन्स टू सॉफ्टन, सूद एंड मैटिफाई योर स्किन. ये इसका आपको मैट लुक देगा. ये नहीं कि
लगाने के साथ साथ आपको ऑयली जैसा या ग्रीसी जैसा होगा, नहीं इसमें लिखा हुआ है कि नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है, इसका मतलब ये मैटिफाइंग लुक देगा आपको। सो आई थिंक ऑल स्किन टाइप पीपल्स के लिए अच्छा है, लेकिन मे बी जिनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली है, आई मीन बहुत ज़्यादा ऑयली है, सो वो थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि अदरवाइज नॉर्मल टू ड्राई एंड कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए आई थिंक अच्छी है, कि मेरी स्किन नॉर्मल है, साथ साथ थोड़ा सा टी जोन एरिया मेरा ऑयली होता है, लेकिन फिर भी ये चल जाता है अच्छे से। आपको कम से कम 5 से 5 घंटे आई थिंक आराम से आपका मेकअप स्टे करने का पावर ये रखता है। सो यस, इट मेकअप ग्लाइड्स ऑन एंड स्टे फ्रेश फॉर आवर्स, इट एनहेंसेस एंड एडहेरेंस टू मेकअप्स व्हाइल यूज्ड अंडर फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट पाउडर, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज बेस फॉर आई शेडो एंड ब्लश ऑन। सो फ्रेंड, आप ये अगर आप फाउंडेशन यूज करते हैं तो प्राइमर यूज करना तो ज़रूरी होता है, लेकिन आप डेली लुक चाहते हैं, डेली वेयर का जो लुक होता है, मेकअप लुक होता है, आप मार्केट जा रहे हैं ज़रा देर के लिए, तो प्राइमर यूज़ कीजिए एंड उसके ऊपर से आप अपना कॉम्पैक्ट पाउडर होता है ना वो अप्लाई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लुक मिलेगा। एक ऐसा मेकअप पूरा, ऐसा नहीं लगा कि आपने मेकअप पूरा लगाया हुआ है, आपको बहुत आपकी स्किन टोन को एनहांस कर देगा वो, एंड ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट, बहुत ही ब्लर एंड बहुत ही अच्छा खूबसूरत दिखेगा। सो यस, चलिए इंग्रेडिएंट की तरफ बढ़ते हैं। एंड सो फ्रेंड, आप इंग्रेडिएंट अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ सकते हैं अगर आप परचेस करेंगे तो। एंड इसमें और एक चीज मैं बता दूँ, इसमें विटामिन ई का भी यूज किया हुआ है, जो कि आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बट एक चीज का है जो इसका माइनस पॉइंट हो जा रहा है, वो ये है कि इसमें पैराबेन यूज किया हुआ है। बट फ्रेंड, मोस्टली जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं ना, मोस्टली उसमें पैराबेन यूज़ किया होता है। सो खैर, हमें प्राइमर डेली बेस पे यूज़ नहीं करना होता है, इसलिए इट्स ओके, हम यूज़ कर सकते हैं। सो या आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज ये टोटली अच्छा है। सो चलिए आप देखते हैं इसकी इनर पैकेजिंग, मैं आपको दिखाती हूँ कैसी है। सो बहुत ही अच्छा है, आई मीन 300 रुपीज़ में आपको इससे अच्छा और क्या पैकेजिंग मिल सकता है। अच्छा है, पर्पल कलर का है एंड सिल्वर कलर की ये कैप दी हुई है। एंड यस, सारे डिस्क्रिप्शन आपके इसके ट्यूब के पीछे भी लिखा हुआ है, जो भी आपको जानकारी चाहिए क्या है क्या नहीं है सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ कि आपको कैसा है ये टेक्स्चर। तो फ्रेंड, ये इस तरह से है एंड अच्छा है तरीका है, क्योंकि ये ज़रा सी क्वांटिटी में निकलेगी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, कोई ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा ही निकल जाता है, बट ये जो फॉर्मूला दे, छोटा सा इसमें छोटा सा टिप है जो उसके हेल्प से ये देखिए ये प्रोडक्ट बाहर आ रहा है। तो आपको जितना अमाउंट में चाहिए उतना अमाउंट में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसकी ये जेल कंसिस्टेंसी है इसकी पूरी, एंड क्रिस्टल क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। चलिए मैं ज़रा सा आपको अपने हैंड में पहले आपको दिखा देती हूँ। सो ये देखिए जेल की जैसा है, पूरा क्रिस्टल क्लियर है। एंड ये देखिए काफ़ी अच्छा से, काफ़ी सॉफ्टली, आई मीन सीरियसली बहुत सॉफ्ट है अप्लाई करते वक्त, एंड ट्रस्ट में बहुत ही खूबसूरत टेक्सचर इसका, काफ़ी खूबसूरत है अप्लाई करने के साथ। ये ज़रा सा मैंने किया ना, ये पूरे मेरे इतने दूर के एरिया में ये पूरी अच्छी तरह से अप्लाई हो गया, एंड इतना दूर का एरिया काफ़ी सॉफ्ट जैसा लग रहा है, क्योंकि ये सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट है, इसलिए ये काफ़ी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा। एंड इसके ऊपर आप जब फाउंडेशन लगाएंगे ना, तो आपको कम क्वांटिटी में फाउंडेशन लगाना पड़ेगा, उससे क्या होगा कि आपके फाउंडेशन का भी बचत होगा एंड अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाएगा सारा फाउंडेशन, आपको ग्रीसी वो एक केकीनेस हो जाता है ना, फाउंडेशन ज़रा सा अजीब सा लगने लगता है, तो वो चीज़ नहीं होगा, बहुत स्मूथ हो जाएगा टेक्स्चर आपका। मैं आपको अभी डेमो दिखा ही देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, अब इसको मैं अपने फेस पे स्किन पे अप्लाई करती हूँ। मैंने ज़रा सा, आप देख सकते हैं, देखिए ये ज़रा सा क्वांटिटी कितने दूर पे स्प्रेड हो जाता है। काफी अच्छा फॉर्मूला है इसका, काफी अच्छे तरीके से स्किन पे आ जा रही है एंड एक मैटिफाई भी हो जा रहा है, ऐसा नहीं कि ऑयली जैसा है। ये
या आपके पोर्स को फिल करने में भी हेल्प करता है, ताकि आपके स्किन पे कोई ऑयल जैसा ना आ पाए, स्पेशली जो टी जोन एरिया है वो ऑयली हो जाती है, बट इसका अप्लाई करने से वो पोर्स, ओपन पोर्स होते हैं ना, वो फिल हो जाएंगे एंड आपका ऑयल बैलेंस भी बैलेंस्ड रहेगा, आपके स्किन पे ऑयलनेस नहीं आ पाएगा। एंड अंडर आई वगैरह पे भी आप अप्लाई कर, आप पर आई शेडो अप्लाई कर रहे हैं वहां पे भी आप एज अ बेस अप्लाई कर सकते हैं। सो यस, सो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा स्किन मेरा ब्लर जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने जो होता है ना बीबी क्रीम वाला लुक, वैसा ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ अप्लाई किया हुआ है एंड काफ़ी फ्रेश लुक लग रहा है। इसकी वजह से मैंने स्किन पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ था, यही फर्स्ट अप्लाई कर रही हूँ एंड टच करने से ही ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी सॉफ्ट जैसा फील हो रहा है, तो सॉफ्ट हो गया है स्किन काफ़ी। एंड अब चलिए मैं फाउंडेशन भी अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ। सो एक साइड में फाउंडेशन अप्लाई करूँगी एंड एक साइड में नहीं चलिए फ्रेंड आप फाउंडेशन दोनों तरफ ही इस्तेमाल करते हैं, मैंने मिस्टेक कर दिया। अगर मैंने एक तरफ नहीं अप्लाई किया होता प्राइमर तब मैं आपको दिखाती तो शायद डिफरेंस आपको दिखता, खैर कोई बात नहीं। चलिए मैं अपना फेवरेट फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ एंड ये है मेबलिन का मैट मी फाउंडेशन, फिट मी फाउंडेशन एंड मेरा शेड है 115 आइवोरी आइवोर। सो चलिए अप्लाई करते हैं अब फाउंडेशन। ये मेरा सीरियसली बोलो बहुत ही फेवरेट फाउंडेशन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक रिव्यू करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं पर्सनली स्पेशली इसका रिव्यू ज़रूर करूंगी। एंड एक स्पंज की मदद से मैं इसको यूज़ करूँगी एंड ये जो स्पंज है ना बहुत ही मेरा फेवरेट स्पंज है, ये दी फेस शॉप ब्रांड की तरफ से है जो कोरियन ब्रांड होता है, बहुत ही अच्छे से ये आपके मेकअप को अप्लाई हो जाता है बहुत ही अच्छे। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से परफेक्टली मेरा मेकअप बेस रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से फाउंडेशन अप्लाई हो गया है स्किन पे एंड काफ़ी अच्छा इफेक्ट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने अपना बेस किया हुआ है एंड कोई ऐसा नहीं लग रहा, आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा केकिनेस जैसा नहीं लग रहा है, कोई क्रैक जैसा कुछ होता है कभी कभी ये फाउंडेशन हम अप्लाई करते हैं बट एक अजीब सा टेक्सचर उसका अजीब सा लगता है, सो वो अच्छा नहीं दिखता है। सो इसलिए प्राइमर यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। प्राइमर यूज़ करने का सबसे पहला फ़ायदा तो यही होता है कि आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। एंड जो सेकेंड फ़ायदा है वो आपको आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, आपके मेकअप को टिकने में हेल्प करता है, साथ साथ जो हल्के हल्के स्पॉट्स होते हैं ना स्किन पे उनको भी वो ब्लर करता है, हाइड करता है। एंड जो फोर्थ इसका जो फीचर होता है ना वो जो ओपन पोर्स होते हैं, स्पेशली जो नोज़ एरिया का ओपन पोर्स होते हैं एंड यहाँ पे जो ओपन पोर्स होते हैं, यहाँ फोरहेड के पास भी ओपन पोर्स होते हैं, तो उन पोर्स को वो फिल करता है अच्छे से एंड वो फिल हो जाता है तो उसके बाद आपके स्किन पे ऑयल नहीं आता है। सो काफ़ी अच्छा है, इसलिए प्राइमर बहुत यूज़ करना चाहिए, अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि बजट में कुछ अच्छा प्रोडक्ट हम ट्राई करें एंड आप ढूंढ रहे हैं तो आई थिंक आपको ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ करना ज़रूर चाहिए। एंड मैंने और भी प्राइमर यूज़ किए हैं, जैसे ओरिफ्लेम का प्राइमर मैंने यूज़ किया हुआ है एंड आई थिंक मुझे ये प्राइमर काफ़ी पसंद आया, मैं क्योंकि ओरिफ्लेम का भी जो फाउंडेशन है वो भी आई थिंक
500 के आसपास है, सबसे कम दाम वाला फाउंडेशन वही है, प्राइमर वही है। एंड उसके बाद कलर बार का प्राइमर आता है, वो भी प्राइमर आई थिंक 700 के आसपास मिलता है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर आप बजट फ्रेंडली ढूंढ रहे हैं एंड अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो ब्लू हेवन का स्टूडियो परफेक्शन प्राइमर ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही आई थिंक आपको पसंद आएगा। आप डेली बेस पे अगर आप बाहर जाते हैं एंड आपको ज़्यादा नो मेकअप वाला लुक चाहिए ना, तो जस्ट प्राइमर यूज़ कीजिए एंड ऊपर से कॉम्पैक्ट लगा लीजिए, दैट्स इट, यू आर रेडी टू गो। सो यस, दैट्स इट फ्रेंड, आई होप यू ऑल लाइक दिस माई रिव्यू। एंड यस, जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी फाउंडेशन का रिव्यू करूं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए एंड यस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो आई एम टेकिंग अ लीव नाउ, बाय बाय एंड टेक केयर।